मणिपुर में एक बार फिर से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। यहाँ हालात कितने खराब हैं आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह को अपनी रैलियां तक रद्द करनी पड़ गई। वो नागपुर से दिल्ली लौट आए हैं। मणिपुर के हालात एक बार फिर गंभीर होते देख डीजी सीआरपीएफ अनीश दयाल मणिपुर रवाना हो गए, जहां वो हालात का जायजा लेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर अब मणिपुर में ऐसा क्या हुआ। दरअसल ये विवाद अब भी कुकी और मैतई समुदाय से जुड़ा है। मणिपुर के जिरीबाम में मंगलवार को अगवा किए गए एक ही परिवार की 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव असम मणिपुर सीमा से बरामद हुए। आरोप है कि कुकी उग्रवादियों ने इनका अपहरण किया था और फिर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद नाराज मैतई समाज सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। खबर है कि प्रदर्शनकारी भीड़ ने शनिवार को राज्य के 3 मंत्री 6 विधायकों के घरों का घेराव कर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, इस भीड़ ने मणिपुर के सीएम के घर पर भी हमले की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख मणिपुर में सिविल सोसाइटी ग्रुप ने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहां के लोकल लोगों का कहना है कि मणिपुर के लोगों में गुस्सा है और सरकार मणिपुर के हालात को संभालने में असफल साबित हो रही है। Found death in the Jiri River, came in Manipur. People of Manipur are completely in shock. People of Manipur is now very angry, and people of Manipur feels that the government of India has failed the people of Manipur. The constitution of India has also failed the people of Manipur. They couldn't guarantee the security of its citizen. They couldn't guarantee the life of 8 months old infant child. They couldn't guarantee the lives of 2.5 years old children. They couldn't guarantee the lives of innocent women and ladies. And this is really unfortunate, and the people of Manipur is now going desperate. And as you can see that several sections of the society has now taken action at their own hand. They have committed so many, you know, violent agitations in different part of the state, and along this side, Kokomi, representing the entire people of Manipur, has now declared to stage an indefinite sit-in protest in the center of Imakachal until and unless our set of demands has been delivered or met by the government of India and the government of Manipur. Our first set of demand is within 24 hours, the government of India and government of Manipur should prepare to take stringent military action. सूत्रों के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस नए सिरे से रणनीति बना रही है। मणिपुर के कुछ इलाकों में जहां पर कर्फ्यू में ढील दी गई, वहां कर्फ्यू दोबारा लगाया गया है। कुछ इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं भी सस्पेंड की गई हैं। मणिपुर के कुछ इलाकों में एक बार फिर से तनाव की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। विष्णुपुर, इम्फाल, जिरीबीम इलाकों में ज्यादा तनाव है। ऐसे में यहां भी फिर से कर्फ्यू लगाया गया है। NBD ऑनलाइन की रिपोर्ट।